पार्शियल डेंचर, जैसा कि इसके नाम से ही हम देख सकते हैं, रिमूवेबल का मतलब होता है कि पेशेंट इसे खुद ही पहन सकता है और खुद ही रिमूव कर सकता है। पार्शियल का मतलब होता है इसमें कुछ ही दांत लगे होते हैं। वाई यू नीड अ प्रोस्टोडोंटिक रिप्लेसमेंट, आपको प्रोस्टोडोंटिक रिप्लेसमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। रिस्टोरेशन ऑफ एस्थेटिक्स, ये एस्थेटिक्स को रिस्टोर करता है, ये फंक्शन को रिस्टोर करता है जिससे कि हेल्थ का प्रिजर्वेशन होता है। यानी कि अगर किसी के दांत गिर चुके हैं तो उसके एस्थेटिक्स ख़राब हो चुकी है, दांत ना होने की वजह से वो खाना नहीं खा पाता और खाना ना खाने की वजह से उसकी हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। तो प्रोस्टोडोंटिक रिप्लेसमेंट ये तीनों चीज़ें ठीक कर देता है। डेफिनेशन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, एनी प्रोसेसेस दैट रिप्लेस सम टीथ इन पार्शियली डेंटेड आर्च, यानी कि ये पार्शियली डेंटेड आर्च के लिए यूज़ किया जाता है। ये खुद पेशेंट इसको रिमूव कर सकता है और खुद इसको प्लेस कर सकता है, यही इसकी सेकेंड लाइन है। ऑल्सो कॉल्ड रिमूवेबल डेंचुरल प्रोस्थेसिस। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्रेलिक पार्शियल डेंचर और दूसरा होता है कास्ट पार्शियल डेंचर। पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। एक्रेलिक पार्शियल डेंचर को आप डायग्राम्स में इसमें देख सकते हो, या तो ये टोटली एक्रेलिक के बने होते हैं या फिर इसमें एक्रेलिक के साथ क्लास्प अटैच होता है। अगर ये टोटली एक्रेलिक के बने हुए होते हैं तो इनको फ्लिपर्स बोलते हैं, और अगर इनके साथ क्लास्प अटैच है तो इसको हम बोलते हैं गम स्ट्रिपर्स। अब इनको गम स्ट्रिपर्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जिंजाइवल रिसेशन करते हैं। अगर इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ किया जाए तो इससे पेशेंट के जो नेचुरल टीथ होते हैं बचे हुए, उनमें जिंजाइवल रिसेशन होने लगता है, इसलिए इसको टेम्प्ररी यूज़ किया जाता है, और इसका दूसरा नाम है टेम्प्ररी डेंचर्स। अब ये फर्दर तीन टाइप के होते हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि हमेशा आपको इस बात का कन्फ्यूजन रहता है कि इतने सारे टाइप के डेंचर हैं। कभी आप इंटरिम में कन्फ्यूज़ हो जाते हो, कभी आप ट्रीटमेंट डेंचर में कन्फ्यूज़ हो जाते हो, कभी टेम्प्रेरी डेंचर में कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो ये सारे डेंचर मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, जिससे आपको कभी भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब जो टेम्प्रेरी रिमूवेबल पार्शियल डेंचर है वो भी तीन टाइप का होता है, जिसमें से सबसे पहला टाइप है इंटरिम डेंचर। इंटरिम डेंचर कैसा होता है, सपोज़ कि आपके पास एक पेशेंट आया, जैसे कि वो एक न्यूज़ रिपोर्टर है, ठीक है, और उसका एक दांत टूट चुका है, वो भी एंटीरियर टीथ। तो अब जो एंटीरियर टीथ उसके टूट चुके हैं, उसकी आज रिपोर्टिंग है कि आज उसे टीवी पे दिखना है, तो अब वो चाहेगा कि उसको बहुत ही जल्दी से उसके दांत मिल जाए, ताकि वो अपना जो चैनल है उस पर कंडक्ट कर सके। तो अब वो क्या करेगा, आपके पास आएगा और आपको बोलेगा कि मुझे इमीडिएटली एक डेंचर चाहिए, यानी कि इमीडिएट मुझे इस टीथ का रिप्लेसमेंट चाहिए। तो जो आप रिप्लेसमेंट दोगे उसको बोलोगे इंटरिम डेंचर। इससे क्या होगा कि उसके एस्थेटिक्स अच्छी हो जाएगी, ठीक है, स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, फंक्शन यानी कि वो कुछ खा भी सकता है टेम्प्रेरी टाइम के लिए। रिप्लेस बाय डेफिनेटिव डेंटल प्रोस्थेसिस, ये तब तक उसको दिया जाता है जब तक उसका डेफिनेटिव डेंटल प्रोस्थेसिस बन के नहीं आता। आपको भी पता है कि एक जो फाइनल जो डेंटल प्रोस्थेसिस है उसको बनने में टाइम लगता है, ठीक है। तो जब तक उस टाइम लगे तब तक उसको कुछ तो चाहिए ना उसको दांत को रिप्लेस करने के लिए, तो उसको हम देते हैं इंटरिम डेंचर। इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, पेशेंट वो कांट वेट फॉर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। दूसरा आता है ट्रांजिशनल डेंचर। अब ट्रांजिशनल डेंचर क्या होता है कि सपोज आपके पास एक पेशेंट आया जो कि बहुत ओल्ड है, जियारियाटिक पेशेंट है, और उसको उसकी जो पेरोडोंटल कंडीशन है उसके दांतों की, वो बहुत ही वीक है, ठीक है, पुअर पेरोडोंटल कंडीशन में आया है वो, यानी उसके आधे से ज़्यादा दांत हिल रहे हैं। अब क्या होगा कि आप उसके सारे दांत एक बार में नहीं निकाल सकते, हो सकता है एज फैक्टर की वजह से, हो सकता है उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से। तो आप क्या करोगे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दांत होंगे कि हाँ भाई इनको तो आज निकालना ही है, तो आप उन दांतों को निकाल के बाकी में एक आरपीडी दे दोगे, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसके बाकी दांत भी और कमज़ोर होते जाएंगे और एकदम गिरने की कगार पे आ जाएंगे। तो पेशेंट की आप नेक्स्ट विजिट में बुला के उसके कुछ दांत निकाल सकते हो और वापस इसी डेंचर को मॉडिफाई करके उसमें आर्टिफिशियल टीथ लगा सकते हो।
ये बिल्कुल इंटरिम डेंचर की तरह ही होता है, बस इसमें डिफरेंस इतना होता है कि जैसे जैसे उसके नेचुरल दांत गिरते जाएंगे वैसे वैसे आप इस डेंचर में आर्टिफिशियल दांत प्लेस करते जाओगे। बट आजकल इसका यूज़ नहीं होता तो आपको बहुत ही कम क्लिनिक्स पर देखने को मिलेगा। थर्ड आता है ट्रीटमेंट डेंचर। ट्रीटमेंट डेंचर का यूज़ होता है किसी भी सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद, जैसे कि सपोज मैक्सिलरी टोराई की सर्जरी हुई और उनको रिमूव किया गया, तो अब जो पेशेंट की जो सॉफ्ट टिश्यू है उसकी कंडीशन बहुत ही जैसे नाजुक कंडीशन बोलता है वो होती है, तो अब उसको क्या करना है, उस एरिया को प्रोटेक्ट रखना है। तो उस एरिया को प्रोटेक्ट रखने के लिए हम एक डेंचर देते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रीटमेंट डेंचर। दूसरा मैंने बात करी थी कास्ट पार्शियल डेंचर, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। फर्स्ट है एक्रेलिक पार्शियल डेंचर या फिर टेम्पररी, इसके हमने तीन टाइप पढ़े, इंट्रिम, ट्रांजिशनल एंड ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं कास्ट पार्शियल डेंचर की। कास्ट पार्शियल डेंचर वो होते हैं जो आधे एक्रेलिक के बने होते हैं और आधे कास्ट मेटल के बने हुए होते हैं, ठीक है। ये भी दो टाइप के होते हैं, क्लास्प रिटेन्ड जिसमें क्लास्प लगा होता है, और अटैचमेंट रिटेन्ड जिसमें अटैचमेंट होता है लाइक बटन। ओके, ये इंट्रा कोरोनल और एक्स्ट्रा कोरोनल हो सकते हैं। अब इसके लिए अलग से एक चैप्टर है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी हम बात करते हैं सिर्फ इनके बेसिक बेसिक फीचर्स के बारे में। अब हमने आरपीडी का क्लासिफिकेशन देख लिया कि भाई जो रिमूवेबल डेंटल प्रोस्थेसिस होता है इसके क्या क्लासिफिकेशन है, ये कितने टाइप के होते हैं। अब हम बात करते हैं आर्चिस के क्लासिफिकेशन की। ओके, तो आर्चिस के लिए कैनेडी ने क्लासिफिकेशन दिया जो बहुत ही ईजी है। तो सबसे फर्स्ट इसकी जो क्लास है वो ये बताती है कि जो आर्च होगा वो बाइलेटरली एडेंचुलस होगा, यानी कि इसके दोनों साइड में एडेंचुलस एरिया होगा। क्लास टू ये बताती है कि ये यूनिलेटरली एडेंचुलस होगा, यानी कि इसके सिर्फ एक साइड में दांत नहीं होंगे बाकी दूसरे साइड में होंगे। क्लास थ्री ये बताती है कि यूनिलेटरल एडेंचुलस तो होगा बट आगे और पीछे यानी एडेंचुलस एरिया के दोनों साइड पर नेचुरल टीथ प्रेजेंट होंगे। फोर ये बताती है कि एंटीरियर एडेंचुलस एरिया होगा जो मिड लाइन को क्रॉस करेगा। फिफ्थ जो क्लासिफिकेशन है वो एप्पल गेट ने दिया था। जब आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको कई बुक्स में सिर्फ चार ही क्लासेज इसकी मिलेगी, बट अब इसकी छः क्लासेज हैं, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स क्लास है वो एप्पल गेट ने दी थी। फिफ्थ क्लास ये बताती है कि एडेंचुलस एरिया के आगे और पीछे नेचुरल टीथ प्रेजेंट होते हैं, बट ये जो नेचुरल टीथ हैं ये अबटमेंट की तरह यूज़ नहीं किए जा सकते क्योंकि ये बहुत ही वीक होते हैं, जैसे कि लेटरल इंसाइजर। लेटरल इंसाइजर और इस मोलर के ऊपर अगर हम आरपीडी देते हैं तो ये बहुत ही वीक अबटमेंट की तरह काम करेंगे। तो ये क्लास फाइव है। क्लास सिक्स में जो नेचुरल टीथ होंगे इन दोनों की तरफ, यानी कि जो अपना ईडेंचुलस एरिया है उसके दोनों साइड जो नेचुरल टीथ प्रेजेंट होंगे वो स्ट्रॉन्ग अबटमेंट की तरह एक्ट करेंगे, यानी कि अगर इस पे अगर हम आरपीडी देंगे तो वो बिल्कुल टूथ सपोर्टेड होगी, यानी कि वो सीधा सपोर्ट टूथ से लेगी, उसको सॉफ्ट टिश्यू सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको इंडिकेट किया जाता है यंग पेशेंट्स के अंदर जिनके एक तो उनके टीथ बहुत ही जैसे स्ट्रांग होते हैं, दूसरा उनके अंदर एफपीडी इंडिकेट नहीं की जा सकती। अगर एफपीडी इंडिकेट कर दी तो एफपीडी के लिए आपको पता है हमें टूथ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और उनके टूथ प्रिपरेशन करने का मार्जिन नहीं होता। सपोज उसके दांत अगर घिसे हुए हैं और हम टूथ प्रिपरेशन करना चाहें तो हम नहीं कर सकते क्योंकि टूथ प्रिपरेशन करते उसका पल्प एक्सपोज हो जाएगा। तो इन केसेस के अंदर हम आरपीडी का यूज़ करते हैं। तो ये हमने कैनेडीज़ के छः क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं एप्पल गेट के सिक्स रूल्स, ओ एप्पल गेट के एट रूल्स के बारे में। एप्पल गेट ने आठ रूल दिए थे कि अपन कैनेडी का क्लासिफिकेशन कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन फॉलो एक्सट्रैक्शन कि सबसे पहले जितने भी दांत हैं अगर आपको लगता है उनका एक्सट्रैक्शन होना है तो पहले उनका एक्सट्रैक्शन कर दिया जाए, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन किया जाए। सपोज मैंने इसका क्लासिफिकेशन किया तो ये है क्लास थ्री, पर इसका ये टूथ अभी एक्सट्रैक्ट होना बाकी है। तो अगर मैंने इसका क्लासिफिकेशन क्लास थ्री किया और बाद में ये टूथ एक्सट्रैक्ट किया तो ये क्लास टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले मुझे इसका एक्सट्रैक्शन करना है, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन करना है।
रूल टू ये बोलता है कि थर्ड मोलर इज मिसिंग एंड नॉट टू बी रिप्लेस, इट इज़ नॉट कंसिडर इन क्लासिफिकेशन। जैसे कि अगर थर्ड मोलर मिसिंग है, आपको पता है कि बहुत सारे लोगों में थर्ड मोलर मिसिंग होता है, थर्ड मोलर अगर मिसिंग है और इसको हम रिप्लेस भी नहीं करेंगे, यानी कि इसकी जगह हम कोई आर्टिफिशियल टीथ नहीं, टूथ नहीं लगाने वाले, तो इसको हम क्लासिफिकेशन के अंदर भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे रिप्लेस ही नहीं करना, तो मैं इसको क्लासिफिकेशन में इंक्लूड क्यों करूँ। थर्ड रूल, अगर थर्ड मोलर को अबटमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व करेंगे। फोर्थ रूल, इफ़ सेकेंड मोलर इज़ मिसिंग एंड इज़ नॉट बी रिप्लेस, इट इज़ नॉट कंसिडर इन क्लासिफिकेशन। ये रूल फोर बिल्कुल रूल टू की तरह, जैसे हमने रूल टू में थर्ड मोलर के बारे में देखा था, वैसे ही रूल फोर में सेकेंड मोलर के बारे में है। रूल फाइव क्या बोलता है, द मोस्ट पोस्टीरियर एरिया डिटरमाइंस द क्लासिफिकेशन, कि सबसे पीछे वाला एरिया डिटरमाइन करेगा कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। जैसे कि इसका क्लासिफिकेशन है क्लास टू मॉडिफिकेशन वन। अब ये क्लास टू मॉडिफिकेशन वन कैसे आया ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। रूल सिक्स, इडेंचलेस एरिया अदर देन दोज डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन आर रेफर्ड टू एज मॉडिफिकेशन स्पेस। यानी कि जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे ये है पोस्टियर मोस्ट एरिया जो कि क्लासिफिकेशन को डिटरमाइन करेगा, इसके अलावा जितने भी स्पेसेस प्रेजेंट होंगे वो मॉडिफिकेशन होंगे। जैसे कि यहाँ पर तीन स्पेस प्रेजेंट है, तो मैं बोलूँगा इसको मॉडिफिकेशन थ्री, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन होगा कैनेडीज क्लास टू मॉडिफिकेशन थ्री। द एक्सटेंट ऑफ द मॉडिफिकेशन इज़ नॉट कंसिडर, ओनली द नंबर, यानी कि मैं इसमें मॉडिफिकेशन एरिया में ये नहीं गिनूंगा कि कितने दांत मिसिंग हैं, मैं सिर्फ ये गिनूंगा कि कितना स्पेस प्रेजेंट है। यानी कि इसमें जैसे कि एक दो तीन, इसमें तीन दांत मिसिंग है, तो मैं इसमें ऐसा नहीं बोलूंगा कि मॉडिफिकेशन थ्री, ऐसे नहीं, ठीक है। इसमें मैं मॉडिफिकेशन वन ही बोलूंगा, क्योंकि मुझे स्पेस काउंट करना है ना कि टीथ काउंट करना है। रूल एट, देयर कैन बी नो मॉडिफिकेशन एरिया इन क्लास फोर आर्चेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पोस्टीरियर मोस्ट एरिया को ही क्लासिफिकेशन का एक बेस बनाते हैं, तो एंटीरियर के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन एरिया नहीं होगा। जैसे कि इसमें हम बात करते हैं, ये है क्लास वन मॉडिफिकेशन वन, ये है क्लास वन मॉडिफिकेशन वन, इसमें हमने टूथ को नहीं गिना, यानी टीथ के नंबर्स को हमने काउंट नहीं किया, हमने सिर्फ एक्सटेंट ऑफ द एरिया को ही काउंट किया है। वैसे ही ये है क्लास फोर जिसमें मिड लाइन को क्रॉस किया गया है, और ये भी है क्लास फोर। अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें देखनी है। टूथ सपोर्टेड आरपीडी, वो आरपीडी जो सिर्फ टूथ से सपोर्टेड होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कैनेडीज क्लास सिक्स, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ टूथ सपोर्टेड होता है डेंचर। डिस्टल एक्सटेंशन आरपीडी, बहुत सारे बार आप बुक्स में पढ़ोगे डिस्टल एक्सटेंशन, डिस्टल एक्सटेंशन, समझ ही नहीं आता डिस्टल एक्सटेंशन क्या होता है कई लोगों को। तो डिस्टल एक्सटेंशन का मतलब होता है कैनेडीज क्लास वन एंड क्लास टू, जिसके अंदर एक तरफ से तो सपोर्ट टूथ देता है और दूसरी तरफ से वो रेजिडुअल रिज पर सपोर्ट लेती है। अबटमेंट, अबटमेंट वो टूथ होता है जिससे कि आरपीडी सपोर्ट लेती है। रिटेनर, रिटेनर वो होता है जो प्रोस्थेसिस को रिटेन करके रखता है, जैसे कि इस कंडीशन में रिटेनर है क्लास्प। ओके, बाकी अब हम इसके और जैसे कि इसके प्रिंसिपल्स ऑफ आरपीडी और प्रिंसिपल्स ऑफ रिटेंशन, ये हम आगे अपने लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।